हेलो एंड नमस्ते। क्या आपने कभी पांडव फॉल का नाम सुना है? यदि आपका जवाब नहीं है तो आइए मैं आपको ले चलता हूं पांडव फॉल। पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र पांडव फॉल जंगलों से घिरा हुआ है। तरह तरह की वनस्पतियां आपका मन मोह लेती है। सतना खजुराहो रोड पर सतना से लगभग 85 किलोमीटर दूर पांडव फॉल बसा हुआ है। पांडव फॉल यह नाम महाभारत के नायक पांडवों के ऊपर से पड़ा हुआ है। वनवास के दौरान कुछ समय के लिए पांडवों का निवास यहां था, इसलिए इसे पांडव फॉल कहा जाता है। कभी यहां पर बाघों की अत्यधिक संख्या थी, लेकिन आज पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से दुर्भाग्यवश बाघ नदारद। रोड की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए रोड पर आप आते जाते फोटो भी खींच सकते हैं। यह है पांडव फॉल का गेट और बगल में है वन विभाग का ऑफिस। यहां आपको अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है और रसीद कटवानी पड़ती है। वन विभाग के कार्यालय में चलकर आइए, हम पता लगाते हैं कि यहां के नियम कानून क्या है। आइए वन विभाग के इन कर्मचारी महोदय से जानते हैं। यहाँ जाना जाता है यह स्थान जी पांडव फॉल है। पांडव फॉल अच्छा, पांडव के नाम से जाना है। अच्छा, कितने पर्यटक आते होंगे लगभग यहाँ? अब ये तो मतलब कभी कोई गिनती मतलब नहीं है, 80 आते हैं, 100 आते हैं, जैसे जा रहे मतलब। क्या सिस्टम है यहाँ पर्यटकों के लिए घूमने की, क्या व्यवस्था? घूमने की व्यवस्था वो ये रेट चार्ज, हाँ, पैदल का है 15 रूपये पर हेड, हाँ, और फोर व्हीलर का है 200 रूपये, हाँ, और मोटरसाइकिल का 40 रूपये। अच्छा, मोटरसाइकिल भी अलाउड है? हाँ। अंदर क्या क्या अलाउ नहीं है? नहाना धोना वगैरह टिकट। अच्छा। स्वतंत्रता के महान सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी यह क्षेत्र जाना जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने यहां क्रांति वीरों की बैठक ली थी और यहां पर उनका एक स्मारक भी है। यहां से पांडव फॉल के लिए नीचे उतरा जाता है। यहां एक सूचना फलक है जिस पर यहां के नियम कानून लिखे गए हैं। शेर अब केवल यहां पोस्टरों में ही नजर आते हैं। दरअसल यह गर्मी का मौसम है, इसलिए पांडव फॉल का जल स्तर भी बहुत कम और घटा हुआ है। यहां से पांडव फॉल की शुरुआत होती है और यहीं से नीचे की ओर पानी जाता है। पांडव फॉल में इस प्रकार के गाइड आपको रास्ते में मिलेंगे। प्रकृति के बीच में इंसान अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगता है और कितना भी बड़ा इंसान हो उसमें बचपना आ ही जाता है। क्यों ना हो, प्रकृति के सामने हम बहुत छोटे हैं, हम प्रकृति के ही संतान हैं। यह है पांडव फॉल।
मानसून अभी आने को है, इसलिए इसका जल स्तर घटा हुआ है। ये पांडव गुफाएं हैं। आइए हम आगे चलकर इन गुफाओं के भीतर क्या है ये देखेंगे। इस स्थान पर नहाना मना है। इस प्रकार के रास्ते से हम पांडव फॉल पहुंचते हैं। प्रकृति के बीच में विश्राम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास होता है। वनस्पतियों से गुजरकर पानी नीचे गिरता है। यह रास्ता आता है गुफाओं के लिए। फिसलन भरा यह रास्ता दुर्गम भी हो सकता है। गुफा के अंदर यह मंदिर है। यहां जूते चप्पल नीचे उतारने पड़ते हैं। आइए हम मंदिर के भीतर देखें। यहां देवताओं की प्रतिमाएं हैं। गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं। और इन्हीं गुफाओं के भीतर बने हुए हैं छोटे छोटे मंदिर, जिसमें भी भगवान विराजमान है। कुछ और टूरिस्ट पर्यटक हमारे पास आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। आइए तब तक एक फोटोग्राफिक सेशन हो जाए। आप भी पांडव फॉल आकर यहां के प्रकृति का आनंद लीजिए। धन्यवाद।